हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी आज से पहले आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त हम लोग जब टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर लगा सकते हैं, और लूडो खेलते वक्त पासे में प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्ड्स खेलते वक्त, जिसे हम लोग टास के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं प्रोबेबिलिटी में होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? प्रोसेस इन विच मोर देन वन रिजल्ट आर पॉसिबल इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटकम्स। तो चलिए देखते हैं, इसे थोड़ा और हिंदी में समझ लेते हैं ताकि आसानी से इससे हम लोग फैमिलियर हो जाएं। तो वह क्रिया जिसमें एक से अधिक रिजल्ट पॉसिबल होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उस आने वाले रिजल्ट को क्या कहेंगे हम लोग? आउटकम्स कहेंगे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिधर एक साइड हेड है और दूसरी साइड टेल है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को? एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई प्रयोग कर रहे हैं। कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं? दो रिजल्ट पॉसिबल हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड और टेल, इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। और आने वाले रिजल्ट को क्या कहेंगे? आउटकम्स। क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आउटकम्स। तो चलिए इसे हम लोग और आगे भी समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। थोड़ा आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए, इफ एम इज फेवरेबल आउटकम्स, हम लोग क्या कह रहे हैं? एम को फेवरेबल आउटकम्स कह रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स अभी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आप लोग अभी इसे अच्छे से समझ लें किसे क्या कहते हैं, ठीक है। एम को क्या कह रहे हैं हम लोग? फेवरेबल आउटकम्स। इफ एम इज फेवरेबल आउटकम्स, एन इज अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जो हम चाहते हैं, जो बोला जाएगा। जैसा कि दो टीमें हैं, टॉस करते वक्त एक टीम हेड चूज करती, तो उसके लिए फेवरेबल क्या है? हेड है। उसके लिए फेवरेबल क्या है? हेड है। और टेल क्या है? अनफेवरेबल है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? फेवरेबल को एम से डिनोट कर रहे हैं और एन इज अनफेवरेबल, एन को अनफेवरेबल कह रहे हैं, ठीक है। और टोटल आउटकम्स किसे कहेंगे? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को टोटल आउटकम्स कहेंगे। फेवरेबल एम को कह रहे हैं हम लोग और एन को क्या कह रहे हैं? अनफेवरेबल। तो एम प्लस एन टोटल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे देखते हैं पी ऑफ ए हम लोग किसे कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसे जिसकी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे उसके अंदर ब्रैकेट को रख देंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब्र बनाए रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए देखिए, नंबर ऑफ फार्मूला क्या है? पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हम लोग किसे कह रहे हैं? एम को, और प्लस टोटल आउटकम्स क्या है? एम प्लस एन, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। इस बात को अच्छे से समझ लें एक बार और। पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसकी बोली जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हम लोग कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसे इस तरह से लिख रहे हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू एम क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, तो क्या है? एम प्लस एन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहे हैं कॉइन को एक बार उछाला जाता है, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है और टेल आने की, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले फेवरेबल देखेंगे क्या है, एम देखेंगे। एम किसे कह रहे हैं हम लोग? फेवरेबल को। फेवरेबल क्या है? एम इक्वल टू, या इसे अभी हम लोग
अच्छे से याद हो जाए, इसलिए हम लोग फेवरेबल अनफेवरेबल ही लिखेंगे। फेवरेबल क्या है? हेड है। फेवरेबल क्या है अपना? हेड। और अनफेवरेबल क्या है? देखिए फेवरेबल क्या है? हेड है। और अनफेवरेबल क्या है? टेल। फेवरेबल हेड किस लिए? जब हम लोग हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं तो फेवरेबल क्या होगा? हेड होगा। और जब हम लोग टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अपना फेवरेबल क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग समझ गए, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या हम लोगों का? पी ऑफ ए है, ए की जगह हम लोग क्या रखने वाले? हेड है ना। किसकी निकाल रहे हैं? किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हेड की। तो क्या लिखेंगे? पी ऑफ हेड इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाई अनफेवरेबल। नहीं, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। तो चलिए पूरा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो चलिए फेवरेबल हम लोगों ने देख लिया क्या है। फेवरेबल हेड है और अनफेवरेबल या और टोटल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल है ना। इसे हम लोग किस तरह से लिख रहे थे? पी ऑफ हेड इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन है ना। तो हम लोग किसे? फेवरेबल को एम कह रहे हैं और अनफेवरेबल किसे कह रहे हैं? टेल को अनफेवरेबल कह रहे हैं। एक बार देख लेते हैं, क्वाइन उछालेंगे, क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है ना। हेड आने के चांस कितने? हेड कितने बार आ सकता है? एक बार टॉस करेंगे तो हेड कितने बार आ सकता है? हेड एक बार आ सकता है। एक बार कॉइन उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड एक बार आ सकता है। चांस कितने हेड आने के? एक। और टेल कितने बार आ सकता है? भाई एक बार टॉस उछालेंगे, एक कॉइन उछालना है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक ही एक बार आ सकता है ना। और फेवरेबल अपना क्या है? एम क्या है? एच है। यहाँ पर हम लोग ने लिख भी लिया फेवरेबल इज हेड। हेड कितने टाइम्स आ सकता है? वन टाइम्स। और अनफेवरेबल टेल क्या? टेल है। टेल भी कितने टाइम्स आ सकता है? वन टाइम्स। तो एम की वैल्यू क्या है? एम इक्वल टू वन है। और एन क्या है? एन भी वन है। फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों वन वन टाइम आ सकते हैं। हेड क्या है? फेवरेबल एक बार आ सकता है। और टेल अनफेवरेबल वो भी एक बार आ सकता है, एक बार टॉस उछालने पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एम की वैल्यू क्या है? फेवरेबल। इसी को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, सेम फॉर्मूला है। इसे हम लोग इस तरह से याद करना चाहते हैं ताकि कम लिखना पड़े, है ना। किसी कंपटीशन में बैठने के लिए कम से कम लिखना होता है और ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए क्या? कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसे कहते हैं? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को। ठीक है, तो फेवरेबल क्या है? एम की जगह वन पुट किया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वन की जगह क्या पुट करेंगे? वन प्लस फिर वन की जगह क्या पुट करें? एन की जगह क्या पुट करेंगे? वन। तो क्या आएगा? वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन टू। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है ना। तो ये बात समझ में आ गई है। एक टॉस को उछालेंगे तो कितने बार हेड आ सकता है? हाफ चांस है कि हेड आएगा। तो एक बार टॉस उछालना है, एक कॉइन को एक बार उछालना है, तो हेड आने के चांस कितने? 50% यानी कि आधा चांस है। ठीक है, और टेल आने के चांस कितने होंगे? हाफ चांस उसके भी होंगे। इसी तरह आप टेल का खुद निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पी ऑफ हेड लिखेंगे, पी ऑफ टेल बताना होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? पी ऑफ टेल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और फेवरेबल हम लोग ने एम को फेवरेबल कह रहे हैं। ठीक है, तो एम लिखा। और टोटल आउटकम्स किसे कह रहे हैं? एम प्लस एन को, है ना। फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को। फेवरेबल क्या था? वन था।
हेड कितने टाइम्स आ सकता है? वन टाइम्स, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वन लिख दिया, और फिर एम प्लस एन, एम की जगह वन रखा, और अनफेवरेबल टेल भी कितने टाइम्स आ सकता है, वन टाइम्स, तो वन प्लस वन, वन डिवाइडेड बाई टू। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है इतना? अब टेल की प्रोबेबिलिटी आप खुद निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है? तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैंगे। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बैग कंटेंस अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट द येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, एक बैग में रखी हुई है जिसमें से कृतिका बिना देखे एक बॉल को निकालती है, तो वो येलो बॉल की, तो वो येलो बॉल हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, या रेड बॉल हो सकती है या फिर ब्लू बॉल हो सकती है, इनकी प्रोबेबिलिटी बताना है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तीन बॉल हैं, एक ब्लू कलर की है, एक तीन बॉल्स हैं, एक ब्लू कलर की है, एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की है। कृतिका बिना देखे बैग से एक बॉल निकालती है, तो बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो येलो बॉल हो या रेड बॉल हो या फिर ब्लू बॉल हो। तो हम लोग निकालेंगे, मैं एक येलो बॉल की बताऊंगा और आप रेड और ब्लू की निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? तो चलिए ट्राई करते हैं, अच्छे से देखेंगे और उसके बाद आपको बताना है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से फोकस बनाकर देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कितनी बॉल्स हैं। एक बैग बना लेते हैं हम लोग, ये एक बैग है, ठीक है? इसमें ये ब्लू बॉल है और ये रेड बॉल है और ये येलो बॉल है, ठीक है? तीन बॉल्स हैं, इसमें से कृतिका जो है एक बॉल निकालने वाली है, कृतिका एक बॉल निकालेगी। वो पूछ रहे हैं येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बॉल्स कितनी है पहले हम लोग देखेंगे, फेवरेबल क्या हम लोगों का लिख लेंगे, येलो इज फेवरेबल, येलो इज फेवरेबल, ठीक है? और अनफेवरेबल क्या है, ब्लू और रेड इज अनफेवरेबल, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फेवरेबल प्लस फेवरेबल डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फेवरेबल क्या है और अनफेवरेबल क्या है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, येलो बॉल की निकाल रहेंगे प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ वाई लिख दे रहे हैं इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन। अब आप अच्छे समझ होंगे एम क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स किसे कहते हैं, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है? तो चलिए देखते हैंगे, येलो बॉल फेवरेबल है हम लोगों की, येलो बॉल निकलने के चांस कितने हैं, येलो बॉल हाथ में आएगी कृतिका के, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन है, और ब्लू और रेड आएगी इसकी कितनी है, वन प्लस वन, या तो ब्लू हो सकती है या फिर रेड हो सकती है, यानी कि ये टू है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, येलो निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ वाई इक्वल टू एम की जगह क्या पुट करने वाले, वन, फेवरेबल क्या है, येलो है, तो येलो की जगह क्या पुट किया, वन, और अनफेवरेबल क्या है, पहले तो फेवरेबल एम लिखेंगे, एम कितना है, वन, अनफेवरेबल बॉल्स कितनी बची, ब्लू और रेड, तो अनफेवरेबल बॉल्स लिख देंगे, कितनी हो गई, टू, तो वन डिवाइडेड बाई थ्री। एक बार और समझ लेते हम लोग, एक बैग है जिसमें तीन बॉल्स हैं, रेड ब्लू और येलो, उसमें से कृतिका बिना देखे एक बॉल निकालने वाली, पूछ रहे हैं येलो होने की, पूछ रहे हैं कि येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, फेवरेबल को क्या लिख रहे हैं हम लोग, एम लिख रहेंगे, और टोटल आउटकम्स को फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल की जगह हम लोग ने क्या लिखा, येलो बॉल आने के चांस कितने हैं, एक येलो बॉल है तो एक टाइम्स आ सकती है, येलो बॉल आने के चांस क्या है, वन, और यहाँ पर अनफेवरेबल क्या है, ब्लू और रेड दो हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कितने हैं, तो दो, फेवरेबल की जगह क्या रखा हम लोगों ने, एम इक्वल टू वन, प्लस अनफेवरेबल कितने, ब्लू और रेड, तो यहाँ पर क्या रखा, प्लस टू, और कितने चांस है, वन बाई थ्री, प्रॉबेबिलिटी क्या मिली,
P of y equal to 1/3। अब आप इसी तरह से रेड और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे और कमेंट बॉक्स में उसे लिखेंगे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, रेड की आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेड इज फेवरेबल, अगर रेड की निकाल लोगे तो रेड इज फेवरेबल, और यहाँ पर येलो और ब्लू और येलो अनफेवरेबल हो जाएगी, ठीक है। तो फेवरेबल में हम लोगों को क्या मिलेगा, एक रेड बॉल, ठीक है। फेवरेबल क्या है, एक रेड बॉल, एक आने का टाइम, रेड बॉल आने का 1 times चांस है, और ब्लू और येलो का कितना टाइम्स होगा, 1 times, तो 1 times क्या हो जाएगा, 2 times। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग, एम क्या है, एम इक्वल टू 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल 1 है प्लस अनफेवरेबल क्या है, 2 है, 2 times हो सकते हैं, तो प्लस 2 इक्वल टू 1/3। तो रेड और ब्लू बॉल के आप खुद बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी और एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएँ। Thanks for watching. Can I teach you? Thank you again.